हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 19 मार्च 2020। आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक पढ़ी तेरे रहेंगे, मोटिवेशन कोट रहेगा, वन लाइनर न्यूज़ रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेगी, स्पेशल नॉलेज रहेगी। स्टेट में पश्चिम बंगाल को डिस्कस करेंगे, स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन होंगे, 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स भी देखने को मिलेंगे। वीडियो आपको पूरा वॉच करना है। ओके, देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। ठीक है, अब इसमें बात हुई है ट्रस्ट की। तो अब ट्रस्ट की बात हो रही है तो इसमें आपको इस बात को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। कैसे कि आप अगर कोई कार्य करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको अपने ऊपर स्वयं पे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो रखना है। जितना आपका आत्मविश्वास प्रबल होगा उतना ही आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसलिए विश्वास के साथ हर कार्य कीजिएगा, आप सफल अवश्य होंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं क्या रहेगी। भारत में आयुध निर्माणी दिवस कब मनाया गया है? तो 18 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडी संस्थान के संशोधित पूर्वानुमान के अनुसार बस 2020 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? तो वो है 5.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में शामिल नहीं हुआ है वह एकमात्र राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के में जितनी भी जानकारी होगी उसके लिए आपको वीडियो पूरा वॉच करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमान संशोधन विधेयक 2020 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा विभाग और विमान दुर्घटना जाँच विभाग के लिए दर्जा देने के लिए समर्थन प्रदान करता है वह संस्थान कौन सा है? तो वह संस्थान है वैधानिक संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्मार्ट सिटी कौन सी है जिसने आईटी टाउनशिप को गो ग्रीन प्रयासों के लिए 2019-20 के लिए एफएम एक्सीलेंस अवार्ड में उद्योग निकाय का पुरस्कार जीता है? तो वह है कोची। और कोची कहाँ है? केरल में। केरल की कैपिटल क्या होती है? तिरुवनंतपुरम, जिसे त्रिवेंद्रम के नाम से जानते थे। ठीक है, पिनराई विजयन वहाँ पर सीएम हो जाएंगे। आरिफ मोहम्मद खान जो है वो वहाँ पर हो जाएंगे गवर्नर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के साथ मिलकर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अभियान कौन सा है? तो वो है सोलर चरखा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस यस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं प्रशांत कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश कौन है जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया है? तो रंजन गोगोई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो रविंदर सिंह ढिल्लों जो हैं पावर कॉरपोरेशन फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वें मघई ओझा पुरस्कार के विजेता कौन है? तो डॉक्टर परमानंद मजूमदार जो हैं 10वें मघई ओझा पुरस्कार के विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्वनी लोहानी को नियुक्त किया गया है। ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे, अब तो वो हैं विनोद कुमार यादव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो वो बने हैं एम गोपाल रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी है शोभा ओझा जी। अब मध्य प्रदेश की बात हुई तो मध्य प्रदेश की कैपिटल होती है भोपाल, और मध्य प्रदेश में बहुत सी चीज़ें हैं जो सामान्य ज्ञान में देख लेते हैं। वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए कितने विश्व विरासत स्थल हैं, मतलब कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया के अंदर कितनी है, तो वो है 38। ओके, अजंता की गुफाएँ अगर पूछ ली जाए कहाँ हैं, तो वो है महाराष्ट्र में। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में, उड़ीसा में। सूर्य मंदिर बनवाया किसने? तो ये सूर्य वर्मन जी ने बनवाया था। खजुराहो के टेम्पल किसने बनवाए? चंदेलों ने बनवाए। और ये हैं कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। ओके, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। खंगचेन जोंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर शेयर चैट और डेली मोशन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं अगर आप यूज करते हैं तो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, खबरी ऐप पर आपको फॉलो भी करना है, वहाँ से ऑडियो रिविज़न करना ही करना है। ओके, एंड जो भी
चाहते हैं कि क्लास की जो पीडीएफ है वो मिल जाए, तो टेलीग्राम ग्रुप का जो है उसे ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से लिंक ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपको जो भी क्लासेस होंगी पीडीएफ होंगी वो आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। ओके, एंड आपको सब्सक्राइब करना है अगर पहली बार देख रहे हैं, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लेना है। ओके, अब देखते हैं न्यूज़ क्या क्या है। राष्ट्रीय मत्स्य नीति लाने की सरकार की योजना। भारत सरकार के अंतर्गत मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए एक राष्ट्रीय मत्स्य नीति लाने की योजना बना रहा है। प्रस्तावित नीति 2017 में समुद्री मत्स्य पालन पर मौजूदा राष्ट्रीय नीति के प्रावधानों को माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय बजट 2019-20 में एक नई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की घोषणा की गई थी, जिसमें 2020 से 21 से प्रभावी केंद्र, राज्य और लाभार्थी के बीच 20,050 करोड़ रुपए का जो है निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट है नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान स्टार्च आधारित होमोस्टेट विकसित करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत संचालित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने एक स्टार्च आधारित हेमोस्टेट विकसित किया है। स्टार्च आधारित हेमोस्टेट सामग्री रक्त में प्राकृतिक थक्कों कारकों को अतिरिक्त तरल पदार्थ को शारीरिक रूप से अवशोषित करके केंद्रित करती है। ओके, हेमोस्टेट नाम आपको याद रखना है, किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति मंत्रालय केंद्रीय हिमालयन संस्कृति अध्ययन संस्थान की स्थापना की गई है। संस्कृति मंत्रालय ने बौद्ध दर्शन, संस्कृति और कला में भी शिक्षा प्रदान करने और बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश के दाहुंग में हिमालयन संस्कृति अध्ययन संस्थान की स्थापना की है। तो हिमालयन संस्कृति अध्ययन संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई है, तो अरुणाचल प्रदेश के दाहुंग में स्थापना हुई है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल अगर पूछ ली जाए तो वो है ईटानगर। उगते हुए सूर्य का राज्य भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन NVIC मैसेजिंग सिस्टम विकसित किया है। नेवेक मैसेजिंग सिस्टम जो है विकसित करता है। अंतरिक्ष विभाग के तहत भारतीय अनुसंधान परिषद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने नेवेक मैसेजिंग सिस्टम के लिए एक नेवेक रिसीवर विकसित किया है। इस प्रणाली का उपयोग भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना प्रणाली केंद्र NICOIS द्वारा आपातकालीन चेतावनी प्रणाली जैसे अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा। अब इन्होंने एक मैसेजिंग सिस्टम विकसित किया है जो क्या करेगा, जो आपातकालीन चेतावनी प्रणाली जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है नेपाल में शिक्षा के प्रति भारत का योगदान। नेपाल के साथ संबंध सुधरने के लिए भारत सरकार और नेपाल के संग शिक्षा ढांचे में पड़ोसी देशों को नेपाल में 3 नए स्कूल भवनों के लिए 107.01 मिलियन नेपाली रुपए प्रदान करेगी। नेपाल के दार्चुला, धनुषा और कपिलवस्तु जिलों में स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। अब नेपाल की बात हुई तो नेपाल की कैपिटल हो जाती है काठमांडू। नेपाल और भारत के मध्य एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सूर्य किरण, तो ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। और वहाँ पर जो पर्वत है जिसे हम लोग यहाँ एवरेस्ट पर्वत के नाम से जानते हैं, वहाँ पर उसे सागरमाथा पर्वत के नाम से संबोधित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना में स्थायी महिला आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को स्थायी आयोग देने के विरोध में केंद्र के सभी तर्कों को खारिज कर दिया है और नौसेना के महिला अधिकारियों की सेवा के अधिकार को बरकरार रखा है। जो नौसेना के महिला अधिकारियों को अपने पुरुष समकक्षों के साथ समान पद पर स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए दिया गया है, ये आदेश सेना में बढ़ाए जाने के बाद आया है। महिला नौसेना अधिकारी अब भारतीय नौसेना के स्थायी आयोग के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा स्वीकृत स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण। भारत सरकार ने फरवरी 2020 में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। दूसरे चरण में प्राथमिक केंद्र ग्राम पंचायतों पर होगा और माध्यमिक ध्यान खुले में शौच मुक्त प्लस ठोस और तरल अपशिष्ट प्रावधान किया
किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को 2020 से 21 और 2024 से 25 के बीच लागू किया जाएगा। दूसरे चरण को पहले चरण के बाद पीछे छूट गए खामियों को हटाने के लिए लागू किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनोटिक रोग और इसके प्रभाव। जूनोटिक रोग संक्रामक रोग हैं जो जानवरों आमतौर पर कशेरुक और मनुष्यों के बीच स्वाभाविक रूप से फैलते हैं। ये कवक, वायरस, परजीवी और बैक्टीरिया के कारण हो सकते हैं। रुडोल्फ विर्चो द्वारा जूनोसिस शब्द 1880 में पेश किया गया था, जिसमें मनुष्य और जानवरों द्वारा सामूहिक रूप से साझा की गई बीमारी को शामिल किया गया था। इसके बाद में 1959 में WHO द्वारा परिभाषित किया गया कि जो जानवर स्वस्थ दिखाई देते हैं वे रोगाणु ले जा सकते हैं और वो बीमारी के आधार पर बीमार हो सकते हैं। ठीक है, जूनोटिक रोग क्या है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। तो ये एक संक्रामक रोग है, ये जानवरों में आमतौर पर कशेरुक और मनुष्यों के बीच स्वाभाविक रूप से फैलते हैं। ओके, और ये कवक, वायरस और परजीवी और पैरासाइट और बैक्टीरिया के कारण ही हो सकते हैं। ओके, अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की। इसमें बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। मुख्यालय कहाँ पर है, मैनहैटन टापू न्यूयॉर्क में। ठीक है, संयुक्त राज्य सदस्य वर्ग कितने हैं, तो 193 सदस्य हैं यूएनओ के। और अगर देश की आधिकारिक भाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। एंटोनियो गुटेरस यहाँ के महासचिव हैं। यूनाइटेड नेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के लिए सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विकास परिषद, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप न करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। वे चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह युद्ध न उभर के आए। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाली शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत अहम देश थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं। विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश इस संस्था की संरचना में आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सम्मिलित हैं। एक क्वेश्चन बन जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, तो द हेग, नीदरलैंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट का। तो स्टेट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पश्चिम बंगाल को। तो देख लेते हैं पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई, तो 26 जनवरी 1950 को पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई। राजधानी कोलकाता में, कोलकाता जो है सबसे बड़ा शहर भी है पश्चिम बंगाल का, और ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। राजकीय पशु वन उल्लू है। राजकीय पशु जो है वो है भारतीय हाथी। जिला यहाँ पर 23 है। विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा की सीटें 295 हैं। लोकसभा की 42 सीटें हैं। राज्यसभा की 16 सीटें हैं। भाषाएं बंगाली और अंग्रेजी हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्वी भाग में एक स्थित राज्य है। इसके पड़ोस में नेपाल है, पश्चिम सिक्किम है, भूटान है, असम है, बांग्लादेश है, ओडिशा है, भारत और झारखंड और बिहार है। ओके, प्रमुख नदियाँ अगर पूछ ली जाए तो गंगा, भागीरथी, दामोदर, हुगली, महानंदा, ये सब जो है प्रमुख नदियाँ हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि बाघ को संरक्षित करता है, जल्दा पारा अभयारण्य वहाँ पर ही है। प्रमुख त्यौहार अगर पूछ ले जाए पश्चिम बंगाल के, दुर्गा पूजा, काली पूजा यहाँ के प्रमुख त्यौहार है। प्रमुख लोक नाट्य अगर पूछ ले जाए तो वो है यात्रा। हवाई अड्डे अगर पूछ ले जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका पूर्व में नाम था दमदम हवाई अड्डा, तो ये भी यहाँ पर है। प्रमुख फसलें अगर पश्चिम बंगाल की पूछ ली जाए तो गेहूं, मक्का, जौ, पटसन, चना जो है प्रमुख फसलें हैं। प्रमुख पर्वत अगर पूछ ले जाए तो हिमालय और शिवालिक जो है प्रमुख पर्वत हैं। प्रमुख शोध संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र यहाँ पर कौन कौन से, तो राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्रण संगठन जो है कोलकाता में अवस्थित है। बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कोलकाता में स्थित है। बिड़ला प्लेटेरियम जो है वे भी आपको कोलकाता में मिलेगा। सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भी पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। अगर पूछ ली जाए पर्यटन स्थल यहाँ पर क्या क्या है, तो विक्टोरिया मेमोरियल, जूलॉजिकल गार्डन, कालीघाट, टाइगर हिल, शांति निकेतन, दक्षिणेश्वर एवं बेलूर मठ, हावड़ा ब्रिज, राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कि कोलकाता में, नेशनल लाइब्रेरी पूछ ली जाती कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में, जैन मंदिर आदि जो है
पश्चिम बंगाल में आपको मिल जाएंगे। अब बात करेंगे स्टैटिक जीके की, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन WHO को। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, विश्व में जितने भी देश हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं आपसी सहयोग और मानक विकसित करने की एक संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की एक अनुषंगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। इथोपिया के डॉक्टर एड्रेनोम गेवेरियस विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक निर्वाचित हुए हैं। वो डॉक्टर मार्गरेट चैन का स्थान लेंगे जो 5-5 साल के कार्यकाल यानी वर्षों तक काम करने के बाद इस पद से रिटायर हो रहे हैं। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य देश है। इसका भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में अवस्थित है। ओके, एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स देखने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रहेंगे। आज किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो आर्टिकल 21A के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से के संविधान से ली गई है? तो रूस से। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। पहले वित्त आयोग का गठन 1991 में किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो इलाहाबाद में। राष्ट्रीय पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, प्रत्यक्ष मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष होती है। संविधान के में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 10। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके GS एंड एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब की करने से और करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपकी कोई क्वेरीज हैं तो उसे मेंशन कर सकते हैं एंड फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और आप हमारे टिकटॉक हेलो पर भी फॉलो कर सकते हैं। शेयर चैट और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन वेबसाइट अगर यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वीडियो वॉच कर सकते हैं एंड खबरी ऐप पर आपको फॉलो भी करना है एंड वहाँ पर ऑडियो रिवीजन भी करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। जब तक आप सफल नहीं हो जाते इस जुनून के साथ कि हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।